नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश के विकास की यात्रा में बजट का निर्माण एक बड़ी भूमिका निभाता है। बजट के निर्माण की प्रक्रिया भी किसी मुश्किल तपस्या से कम नहीं। वित्त मंत्रालय में बजट की पूरी टीम पूरी दुनिया से अलग रह करके देश के आर्थिक विकास के लिए फैसले लेने में अपने दिन रात झोंक देती है। हर स्टेक होल्डर के साथ बात करनी है, उनके मुद्दों को समझना है, उनकी सिफारिशों की रोशनी में फैसले लेने हैं, और फैसले ऐसे लेने हैं कि किसी दूसरे स्टेक होल्डर पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। बजट की प्रक्रिया भी बिल्कुल अमृत मंथन की तरह होती है, जहां सभी को अमृत की तो प्रतीक्षा होती है, लेकिन विष कोई भी नहीं चाहता। बजट बनाने में केवल विकास को केंद्र में नहीं रखा जाता, बल्कि विकास को समावेशी बनाने की जो चुनौती है उसको केंद्र में रखा जाता है। आज चर्चा समावेशी विकास पर, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पर। मैं हूं अजय मिश्र, और इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय कराएं, आज वित्त मंत्रालय ने बड़ी रिपोर्ट जारी की है, आर्थिक मोर्चे पर साल 2024 में भारत इस वक्त कहां खड़ा है। आपको बताते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 3 सालों से 7% से अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। आपूर्ति श्रृंखलाओं की बढ़ती कमजोरियों और वैश्विक मुश्किलों के बीच ये राह बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन भारत लगातार सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, कार्बन उत्सर्जन की समस्याएं हैं, लेकिन निवेश लगातार भारत कर रहा है इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए। पिछले 10 सालों में सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजी निवेश बढ़ा है। कई सारे बजट में हमने देखा है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, बैंकिंग व्यवस्था मजबूत हो रही है। समावेशी विकास, कम बेरोजगारी दर और मध्यम मुद्रास्फीति, ये तीनों का संतुलन भारत को दुनिया से अलग करता है। सरकार के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण ने आर्थिक विकास को पटरी पर वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाई। 2014 से जो संरचनात्मक सुधार लागू किए थे उसने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। बैंकिंग सुधार किए गए जिससे बैंक और कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट को साफ करने में मदद मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि ट्विन बैलेंस शीट की हम समस्या से लगातार जो 2-4 हो रहे थे। जीएसटी लागू हुआ, लॉजिस्टिक लागत कम हुई, उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई, एक बड़ा रिफॉर्म देश के सामने आया। कारोबार को आसान बढ़ाने पर फोकस रखा गया और स्टार्टअप के पोषण के लगातार अलग अलग इकोसिस्टम की तैयारियां शुरू की गई। 9 सालों में नागरिक केवल लाभार्थी नहीं बल्कि सफलता के वाहक भी बने। भारत ने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ अमृतकाल की शुरुआत की है, जिसे बजट के केंद्र में रखा गया है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट और जलवायु परिवर्तन के बीच खेतीबाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है खेतीबाड़ी का सेक्टर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका जिक्र G20 में लगातार होता रहा, उसने देश में ऑनलाइन और कैशलेस डिजिटल की व्यवस्था को बढ़ाया। ई कॉमर्स बाजार को बढ़ावा मिला और ONDC ने छोटे व्यवसाय को बाजार के लिए खोल दिया। भारत बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 4th सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है, क्योंकि निवेशकों का रुझान लगातार भारत में दिखाई दे रहा है। हांगकांग के बाद ये 4th सबसे बड़ा बाजार बना। तो आप ये समझिए, ये बड़ी बातें हैं जो हम आप तक समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फोकस इंक्लूसिव डेवलपमेंट का होता है हेल्थ। पिछले साल हमने देखा कि हेल्थ और एजुकेशन पे एक बड़ा फोकस रहा, और माफ कीजिएगा, एजुकेशन सेक्टर में हमने देखा 13% की बढ़त हुई पिछले साल के बजट में, और हेल्थ का बजट 3% बढ़ाया गया। और कोई भी देश तभी विकसित राष्ट्र बनता है जब उसका नागरिक स्वस्थ हो। देश के नागरिक स्वस्थ रहें, इसके लिए मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में कई कदम उठाए। एक ओर सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है, तो दूसरी ओर साल दर साल हेल्थ सेक्टर का बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। 2023-24 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार का जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देना और सस्ती दवाओं की पहुंच को सभी तक सुनिश्चित करना। आइए देखते हैं नितेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी इस बजट से खास उम्मीदें हैं। हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधा बढ़ाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंच बनाने की,
सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। बीते साल नेशनल हेल्थ मिशन के बजट में 33% की बढ़ोतरी की गई थी। सरकार अंतरिम बजट में दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। सरकार 2018 में आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाई है, जिनको हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। अभी भी हेल्थ कवरेज और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फाइनेंशियल मॉडल्स को विकसित करने की जरूरत है, ताकि वंचित आबादी को भी इसका लाभ मिल पाए। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स और मेडिकल डिवाइस पार्क कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फंड और योजनाओं को स्थापित किया है। सरकार टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। इसके लिए लोग बजट सहित प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट और मेडिकल इक्विपमेंट की सब्सिडी जैसे कुछ विशेष छूट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नागरिकों को हेल्थ चेकअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बजट 2024 में एक परिवार के लिए चेकअप की डिडक्शन लिमिट को बढ़ाना चाहिए। फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी अंतरिम बजट में सरकार इनोवेशन के साथ शोध एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमनों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी, ताकि फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गति मिल सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एम्स सहित मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो, इसे लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछले साल 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इस पर भी तेजी से काम हो, इसको लेकर बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुले हैं, जहां 50-90% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। जन औषधि केंद्रों को 25,000 करने की घोषणा सरकार ने की है। इस पर तेजी से काम हो, इस पर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। सिकल सेल एनीमिया, टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों को तय सीमा पर उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी कुछ बजटीय प्रावधान हो सकते हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अनिल पद्मनाभन, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, आईएफटी और वरिष्ठ अर्थशास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का। अनिल सर, मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। जो ग्रोथ है वो तो फोकस में रहता ही है बजट के, लेकिन ग्रोथ को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना एक बड़ा फोकस होता है। वित्त मंत्री के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इस समय, जबकि वैश्विक चुनौतियाँ इतनी बड़ी हैं हमारे देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए? जी, ये सरकार के पिछले 10 साल का देखिए जो व्यवहार है, ये इंक्लूजन सेंट्रल है इनके एजेंडा में। तो इनका एक स्लोगन है जो जेटली सर के टाइम पे कॉइन किया था, प्रो पुअर प्रो बिजनेस, तो उसी के अंदाज से चलाया। और आप किसी भी आंकड़े को देख लीजिए, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे बिजली हो, कुकिंग गैस हो, तो ये जिस तरीके से ये बेसिक्स सब में बांटे गए हैं पिछले 10 साल में इतनी तेजी से, अभी हाल में ही 10 करोड़ के बेनिफिशियरी को मोदी जी जाके मिले अभी, तो 10 करोड़ कुकिंग गैस कनेक्शन है और 51 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं जिनमें 60-70% महिलाओं के अकाउंट हैं। तो आप किसी भी आंकड़े से देख लीजिए, इंक्लूजन इनका सेंट्रल एजेंडा रहा है और इन्होंने टारगेटिंग के थ्रू इसके माइलस्टोन्स भी अचीव किए हैं। जी जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। हाँ जी, तो राकेश मोहन जी, अब आपसे हम समझना चाहते हैं कि इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए सोशल सेक्टर पे स्पेंडिंग बढ़ाना एक बड़ी प्राथमिकता है बजट की। आपको क्या लगता है कि सोशल सेक्टर पे जो इम्पैक्ट हो सकता है बजट के बाद, या कितना फोकस वित्त मंत्री करेंगी जिसका रिपल इम्पैक्ट इकोनॉमी पर दिखाई देगा? प्रोफेसर साहब। हाँ, थैंक यू अजय जी। कि देखिए, ये सरकार पहले से ही इंक्लूसिविटी पे फोकस किया, एंड यू नो इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी
जैसा कि बताया जनधन अकाउंट, अकाउंट ऑफ यू नो द डिसप्रिविलेज क्लास, फिर हमने फार्मर्स का इंक्लूजन किया, उसके बाद में वीमन इंक्लूजन एंड वीमन एम्पावरमेंट मतलब अभूतपूर्व तरीके से हुआ है, वीमन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और अभी आप देखिए कि स्पेशली जो 26 जनवरी की परेड थी गणतंत्र दिवस की, उसके अंदर महिलाओं के पार्टिसिपेशन ने पूरे विश्व में ये बता दिया है कि भारत जैसी इंक्लूसिविटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और दूसरा आप देखिए कि मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कलर, कास्ट, रीजन, रिलीजन, जेंडर, इसके ऊपर, तो इंक्लूसिविटी निश्चित रूप से बढ़ी है। और अब आप देखिए कि इसमें महिला सशक्तिकरण जैसा कि आप इसमें दे रहे हो वो निश्चित रूप से आया है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर इस बार इंक्लूसिवनेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि एक इंटरिम बजट होगा, तो इंटरिम बजट के अंदर लॉन्ग टर्म चीजों पे फोकस ना करके इंक्लूसिवनेस पे फोकस किया जाएगा। बट आप देखिए कि पिछली बार जो 37-38% की ग्रोथ इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुई जिसमें 10 लाख करोड़ का बजट रखा गया वो भी एक तरह से इंक्लूसिव था क्योंकि उसका फायदा जन सामान्य को हुआ और उसके अंदर जो जो रिपल इफेक्ट हुआ जिसमें रोजगार मिले महिलाओं को और यू नो द वीकेस्ट ऑफ द वीकर सोसाइटी, वो मुझे लगता है कि बहुत लंबा एक मील का पत्थर साबित हुआ, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कॉम्पिटिटिवनेस में, बट इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर। उसके अलावा देखिए जैसे हेल्थ सेक्टर में हमने किया कि यू नो अनेक योजनाएं हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपकी अभी ये जो योजना रही कि जन औषध योजना, जहाँ जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट किया गया रादर देन ब्रांडेड मेडिसिन, वहां पे दवाइयां जो है 1/10, 1/20 ऑफ प्राइस के अंदर इंक्लूज अवेलेबल हुई, वो एक इंक्लूजन की एक बहुत बड़ी चीज है जो मतलब भारत सरकार ने की है। और मुझे लगता है कि इस आने वाले बजट के अंदर फाइनेंशियल फोकस के अलावा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फोकस रहने वाला है इंक्लूसिविटी के हिसाब से। जी बहुत शुक्रिया। और देखिए प्रोफेसर्स के साथ चर्चा करने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे विषय को एक साथ वो समेटने की कोशिश करते हैं। सर मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, अब ब्रेक के बाद जब आएंगे तो महिला सशक्तिकरण जिसका जिक्र आपने किया उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देख रहे हैं आप बजट 2024। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी, एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13,50,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024। और बजट को, विकास को अगर इंक्लूसिव बनाना है तो वुमेन एम्पावर्ड सरकार का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि G20 में भारत ने स्पेशली विशेष तौर पर महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया। पिछले बजट को आप ध्यान में रखिए, ड्रोन सखी बनाने का जो ऐलान किया गया था, 15,000 ड्रोन सखी बनाने का ऐलान किया गया था, उसको ज़मीन पर लाया जा चुका है। जिक्र किया हमारे मेहमानों ने जनधन योजना का, जिसमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं उनके खाते हैं। मुद्रा योजना देखिए, उसका लाभ ज़्यादातर महिलाओं को मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका असर महिलाओं की जो इकॉनमी है कैसे बदलती है और देश की इकॉनमी कैसे इंक्लूसिव होती है, एक बड़ा हथियार। आपको बताते हैं कि क्या कुछ असर पड़ा है हमारे स्पेशल ग्राफिक्स में। और बड़ा फैसला लिया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पंचायतों में आरक्षण के लिए जो पीने का पानी और जो सार्वजनिक सड़क जैसी महिलाओं की चिंताओं से जुड़ी हुई सार्वजनिक वस्तुएँ हैं उसमें ज़्यादा निवेश बढ़ा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने उन महिलाओं के बैंक खाते करने का अनुपात बढ़ाया और ये करीब करीब
80% के करीब है, 78.6 टू बी प्रिसाइज, महिलाओं की संख्या जनधन खातों में कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। महिला LPFR अगर आप देखें तो विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जिसमें जो 37% का आंकड़ा है, जो पहले 23% था 17-18 में, 2022-23 में बढ़ गया है। चाहे आप स्टार्टअप मिशन की बात करें, स्टैंडअप इंडिया की बात करें, महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और इंक्लूसिव बनाने को मदद कर रही है। अगर वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा में महिलाओं का अनुपात देखें तो 24% का नामांकन होता था, अभी वो 58% पर बढ़ गया है, महिलाएं ज़्यादा पढ़ रही हैं। सेकेंडरी उच्च शिक्षा में आप देखिए तो 6.7% से बढ़ करके 27.9% पर ये बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ गया है। कितना इंपॉर्टेंट है महिलाओं पर फोकस और क्या ये बजट फोकस कर सकता है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अनिल पद्मनाभन जी, आपके पास हम आना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट शायद एक बड़ा फोकस हो सकता है, क्या कहेंगे आप? वित्त मंत्री खुद भी एक महिला हैं और मुझे लगता है कि खास ख्याल रखने वाली हैं वो देश की महिलाओं का। अजय जी, ये इस बजट में फोकस नहीं है कि पहले से ही फोकस है इस सरकार का। तो आप इंक्लूजन का जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है गरीबी। पिछले 15 सालों में 41 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठा के ऊपर लाए, इनमें महिलाएं उतनी हैं जितने पुरुष हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, दो जो आए हैं, तो जो महिला पुरुषों में मतलब फर्क होता था वो घटते जा रहा है काफी गति से। तो लिटरेसी का देख लीजिए, 2005-06 में 55% महिलाएं लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, और आज 72% है 2019-21 के सर्वे में। और पहले पुरुष थे 78% और अब है 84%। तो गैप कम हुआ और महिलाएं और पढ़ी लिखी जी। अब आप महिलाओं के जो घर जो मिले, जो घर जो आवास योजना जो चला, हाँ जी, तो उसमें आप दोनों सर्वे में देखिए, पहले 38% था और अब 43% हो गया। अब ये तो 21 का डेटा है, तो अभी और भी बड़ा होगा 3 साल के बाद। और महिलाओं का जो बैंक अकाउंट, जो आपने अभी उदाहरण दिया, तो पहले 43% था और अब 79% जी, जी। तो आप सोचिए कितनी फुर्ती से और कितनी तेजी से महिलाओं की भागीदारी में जो एक बेसिक आर्किटेक्चर है, एक ढांचा है, वो एक खड़ा किया है। अब आप चुनावों में भी देख लो, एग्जिट पोल में जो भी है, सब में एग्जिट पोलों में आ रहा है कि महिलाओं ने अल्टीमेट आउटकम डिटरमिनेंट इन्फ्लुएंस किया, मतलब जो जीता वो महिलाओं के वोट से ही जीता। तो शायद कर्नाटक में कोई और जीता, मध्य प्रदेश में कोई और जीता, लेकिन इन सब में महिलाओं का ही बहुत बड़ा हिस्सा था। तो आप आर्थिक और राजनीतिक तौर से महिलाएं अभी सेंट्रल हो गई हैं इस देश के पॉलिसी और एक्शन में। अनिल सर, एक चीज की तारीफ करनी होगी कि आपने, आपकी हिंदी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, आप संख्याओं को इतनी बेहतरीन तरीके से बोल रहे हैं, बहुत कंग्रेचुलेशंस। प्रोफेसर साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं, ये जो सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग है, हेल्थ और एजुकेशन को हम मिला के लगातार हम देख रहे हैं कि जो GDP के अनुपात में 6% होना चाहिए, अभी हम शायद एजुकेशन में 3% पे टंगे हुए हैं, ये हम कब तक बढ़ा पाएंगे और इसमें राज्य सरकारों की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो सोशल सेक्टर हैं केवल केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, कंकरेंट सब्जेक्ट होने की वजह से राज्यों की भी बड़ी भूमिका है इसमें। नहीं, राज्यों को आप देखिए, सोशल सेक्टर या दूसरे सेक्टर में भी बजट के अंदर राज्य सरकारों को निश्चित रूप से इसमें आगे आना चाहिए। और एजुकेशन की तो जहां तक सवाल है कि हम बहुत लंबे टाइम से कहते आ रहे हैं कि NEP में भी 6% रखा ऑफ द GDP का उसमें रेशो होना चाहिए, बट 2.9 का अभी है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके अंदर क्या है कि सरकार के पास बजट की फाइनेंशियल लिवरेज भी होना चाहिए। होता ऐसा है कि सरकार जो है ज्यादा मन लुभावन योजनाओं के अंदर लगा देती है जी, जी। पैसा तो एजुकेशन के लिए, लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग के लिए पैसे की थोड़ी सी कमी रह जाती है। अब इसके अंदर आप देखिए कि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, उसमें भारत सरकार भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे लगाती है। इसके अंदर मुझे लगता है दो चीजें, एक तो क्या प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जो पैसा है वो खर्च होना चाहिए, जिसमें यूनिवर्सल एजुकेशन एंड मोर देन दैट क्वालिटी एजुकेशन।
और उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा वो है कि ये रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर जो है वो हम उतना खर्च कर नहीं पा रहे हैं जितना हमको खर्च करना चाहिए क्योंकि इनोवेशन और रिसर्च पे जरूरी है। अच्छा दूसरा क्या, धीरे धीरे शिक्षा का जो है ना प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण जो हो रहा है वो ठीक है बट उसके साथ साथ हमको पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना हो, तो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन हो उसमें गुणवत्ता का इंप्रूवमेंट हो वो एक विषय है जिसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हम कई साल से ये 3% ऑफ GDP है ना ये लगभग कांस्टेंट है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो उच्च शिक्षा में बहुत प्रयास किए हैं, IIM की संख्या 20-21 हो गई है, IIT अब 20-22 हो गए हैं, उसमें नंबर हैज गॉन अप है, गांव में मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, विश्वविद्यालयों की बात हो रही है, है हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय भी 1050 के करीब ज्यादा हो गए हैं। All these things are going along, but मुझे लगता है कि education के अंदर हमको थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। जी जी और उसके अंदर अभी तक तो हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि देखिए कोविड आ गया तो सरकार को बहुत सारा पैसा जो है ना उसमें सोशल सेक्टर में मुझे एक सारे ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद सिर्फ एक सवाल के लिए आप दोनों मेहमानों के पास मैं आऊंगा कि अगर हम इसको समुद्र मंथन के साथ जोड़ें तो कौन से अमृत आप लोगों के हिसाब से निकलने वाले हैं 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री अंतरिम बजट देश के सामने रखेंगे। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा वंडर सीमेंट फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस पढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। भैया जी सारी तैयारी कर लिया अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन, भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। भैया जी शर्माता है, पकड़ो है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वागत है आप सभी का और ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं। ब्रेक के पहले मैंने सवाल रखा था दोनों ही मेहमानों से, ले एक एक मिनट आपके पास है सर। तपस्या की शुरुआत हो जाती है नवंबर दिसंबर में जब बजट डिस्कशन की शुरुआत होती है, कौन से अमृत निकलने वाले हैं। अनिल सर शुरुआत आपसे। अजय जी ये बजट तो आप जानते हैं ये इंटरिम बजट है, तो इसमें नॉर्मली ऐसी उम्मीदें नहीं होती जो नॉर्मल बजट से होते हैं, लेकिन ये सरकार में एक खूबी है, ये जो मतलब जो हमारी प्रेसिडेंस है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते बट एक्शन में देते हैं। तो 2019 के बजट का आप उदाहरण देखिए तो वहां उस टाइम उन्होंने PM किसान अनाउंस किया और मिडिल क्लास के लिए टैक्स बेनिफिट दिए। तो मेरे हिसाब से इस बारी भी ऐसे 2-3 तरीके कंसेशन जरूर होंगे मिडिल क्लास की तरफ, किसानों की तरफ, और जो अभी हमने विषय पे चर्चा किया महिलाओं का जो फोकस है जी उसको दोहराया जाएगा। आप भूलिए मत रिपब्लिक डे में जी महिलाओं का ही हाँ पूरा था सेंट्रल, तो और जैसे आपने बोला वित्त मंत्री भी महिला है, तो मेरे हिसाब से ये तीनों मुद्दों पे आप हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई जरूर इसमें अनाउंसमेंट आएगा। प्रोफेसर साहब देखिए इस बार चूंकि लॉन्ग टर्म अनाउंसमेंट की उम्मीद कम की जा रही है तो इसलिए सोशल सेक्टर पे निश्चित रूप से फोकस रहेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री का विशेष फोकस इंक्लूसिवनेस पे रहा है तो इंक्लूसिवनेस पे महिलाओं के लिए कोई बड़ी स्कीम मुझे ऐसा लगता है दी जा सकती है।
फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस इकोनॉमी के लिए, और फार्मर्स पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है, सोशली भी इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स के लिए दी जा सकती है। इसमें एक देखिए कि पूरे एम्प्लॉयमेंट के अंदर 78% महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट है वो फार्मिंग सेक्टर से है, तो जो महिलाएं फार्मिंग सेक्टर में उनके लिए विशेष कोई ना कोई योजना आ सकती है। उसके अलावा जो है कि कंज्यूमर की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कस्टमर की जेब में पैसा जाए, उसके लिए भी स्कीम आ सकती है। उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक टैक्सेशन में रिलीफ है और उसके साथ साथ है टैक्सेशन में इनकम टैक्स में रिलीफ है। उसके अलावा मुझे लगता है कि कंज्यूमर प्राइसेस के ऊपर भी कोई ना कोई रिलीफ आ सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कस्टमर के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त मेरे पास इतना ही है। अनिल पद्मनाभन जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये जो बजट की परीक्षा है उसका तो नतीजा जो है वो 1 फरवरी को आएगा ही, लेकिन परीक्षा पे चर्चा, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है, उस पर आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। आप देखते रहे डीडी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।